YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ल ने की। इस अवसर पर स्वर्गीय गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा अल्प प्रधानमंत्रित्व काल में ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले क्रियान्वित किए गए जो भारतवर्ष के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। कहा कि उन्हें नजरअंदाज कर भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और मतदान की आयु सीमा घटाकर युवाओं के बीच चहेता बन गए। कहा कि देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मौके पर कांग्रेसजनों द्वारा स्वर्गीय गांधी के नीति व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इससे पूर्व पलामू जिला यूथ कांग्रेस की ओर से जयंती मौके पर सद्भावना मार्च निकाली गई। सद्भावना मार्च रेड मा काली मंदिर के समीप से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और अंत में कांग्रेस भवन में पहुंचकर मोर्चा सदस्यों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ समाप्त हो गई। पलामू जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजेश चौरसिया जी के अध्यक्षता में हम लोग एक सद्भावना मार्च राजीव जी के जन्मोत्सव में हम लोग आज बैरिया चौक होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए उनके उपलब्धियाँ जो उनकी सीख थी उनकी जो सोच थी पूरा शहर को हम लोग ने बताने का काम किया और राजीव जी के आदर्शों में राजीव जी के सपनों में युवा लोगों को साथ में चल के उनके सपनों को साकार करने का युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता युवा कांग्रेस का हर लोग आज संकल्प लेके उनके पथों पर चलने का संकल्प लिया। यही सब करके आज हम लोग एक सद्भावना मार्च पूरे शहर में निकाला और उसके बाद हम लोग सद्भावना समारोह के रूप में कांग्रेस भवन में समापन के रूप में ये कार्यक्रम को करेंगे।